करते हैं स्टार्ट ब्लॉग बनाना। और यहाँ पर मैं काट रही हूँ बैंगन। आज बैंगन का सालन बनाई हूँ मैं, और बैंगन के सालन में डालेंगे चिकन। और क्या कर रहे हैं, चिकन डालकर बना रही बैंगन टमाटे का खट्टा खट्टा सालन, वो भी कैरी डालकर। फिर मैं तुमको क्या दिखाती हूँ वो भी तुम देख लेना। मैंने प्याज को एक छुरी के अंदर ऐसा टच कर दी हूँ, और इसके ऊपर बच्ची ने डाली थी तेल, तो इसके ऊपर हम प्याज से ऐसा गोल गोल घुमा देंगे। तेल नहीं डालना है, तेल डालने से क्या हो जाएगा, हमारा डोसा पूरा लपटे देगा और वापस से रिटर्न मतलब उलट के आ जाएगा। इसके लिए तेल बिल्कुल भी नहीं लगाना है, सिर्फ पानी का छिटका मारना था। तो कल मैंने डोसा नहीं खाई थी, तो इसके लिए आज मैं बना रही हूँ। क्यों बोले तो आज मुझे खाने को मन कर रहा है, इसके लिए आज मैं बनाऊंगी डोसा। तो मेरी बेटी ने मेरे लिए कल सबने बनाकर खा लिए थे डोसे, और एक कटोरे के अंदर थोड़ा सा डोसा का आटा उठा के रख दिए थे। उनको मालूम है नहीं तो अम्मी चिल्लाएंगे, मैंने तो खाई नहीं थी, तुमने मेरे लिए नहीं रखे। तो ये हो सकता है गाइस, देख सकते हैं ऐसा उलट जा रहा। कितना माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा डोसा बना। तो ये देखिए कड़क कड़क जालीदार एक नंबर डोसा बना है। इसको थोड़ा सा तोड़ के खाती हूँ, टेस्टी टेस्टी बहुत अच्छा बना, जबरदस्त एक नंबर। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हमारे बन रहे हैं चावल। तो देखो अभी चावल आ गए हैं उबाल को, यानी खतखत पकने लगे। ये देख सकते हैं, इस पे डालेंगे अब थोड़ा सा तेल। चलिए इसके अंदर भी डाल देंगे हम प्याज। अंडा जो है हमारा इसको ऊपर कर देंगे। देखो माशाल्लाह कितना जबरदस्त बना है हमारा अंडा, इसको कर देंगे अभी फोल्ड। फिर पलटी इधर से भी कर देंगे, और गैस को कर देंगे बंद। अब मैं खाऊंगी गर्मा गर्म मेरा डोसा। तवे को काट के रख देंगे, इधर के गैस पे हम रख देंगे कुकर, और यहाँ पर हमारा अंडा, ये अदरक लहसुन और प्याज अच्छे से लाल हो चुका है, इसके अंदर डाल साथे साथ ये कोथमीर भी डाल देंगे चम्मच। इधर दिखा, और इसी के साथ में हम क्या डालेंगे, लाल मिर्ची, तीखी तीखी लाल मिर्ची कलर वाली है, अंदर कश्मीरी मिर्ची भी मिक्स है गाइस, आप देख सकते हैं तीखी भी है और कश्मीरी भी है। तो हम दो चम्मच डालेंगे ताकि तीखा तीखा सालन हमको अच्छा लगे। घर में तो सब तीखा ही खाने वाले हैं, छोटे तो कोई है ही नहीं। तो इसी के साथ में हम क्या करेंगे, नमक भी डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। हल्दी तो नहीं डालूंगी, क्योंकि हल्दी हमने चिकन में डालकर उबाल दिए थे चिकन। मैं ज़्यादा चिकन कच्चा नहीं बगाड़ती हूँ। अब इसमें क्या डालेंगे हम, हमारे बैंगन। तो नमक से बैंगन को थोड़ा धो लेंगे, काला काला नमक, काला पानी निकल देगा सब बैंगन का, और हमारे बैंगन वाइट हो जाएंगे अच्छे से।
अब ये बैंगन को क्या करेंगे हम, बिस्मिल्लाह बोल के इसमें टमाटर की हमारी जो ये चटनी बनकर तैयार हो चुकी है उसमें डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर डाल देंगे हम एक गिलास पानी और लगा बैंगनों को अच्छे से गलने देंगे। अब इसको लगा देंगे ढक्कन, दो सीटी तक, तीन सीटी मारेंगे, बैंगन अच्छे से गल जाएंगे, टमाटे भी हमारे अच्छे से गल जाएंगे। फिर उसके बाद हम उबला हुआ अंदर चिकन डाल देंगे। अगर से चिकन साथ ही साथ डालेंगे तो हमारा चिकन पूरा हलवा और बेसन के जैसा बन जाएगा, तो इसके लिए हम बाद में चिकन डालेंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे बोंबिल मच्छी की चटनी, टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी, बहुत खाने में टेस्टी दिखती गाइस, इतनी टेस्टी दिखती है ना, इसके सामने तो ना मटन फेल है। आपके भाईजान को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत, और यानी कि पूरे घर को ही बहुत पसंद है। तो चलिए इसके अंदर मैंने चॉप कर दी बारीक बारीक डब्बे के अंदर डाल के प्याज, तो ये मैंने 6-7 प्याज ली थी और 4-5 हरी मिर्ची ली, उसके चीर मार के उसके टुकड़े करके ले ली। इसमें लाल मिर्ची भी हम डाल देंगे, तीखा तीखी चटनी अच्छी लगती, तीखी चटनी नहीं तो मीठी मीठी लगती। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर के लाल मिर्ची पाउडर डाली, 1/2 चम्मच कलर वाली मिर्ची डाली, यानी कि कौन सी मिर्ची नौशीन, कश्मीरी। तो चलिए इसके अंदर मैंने डाली कश्मीरी 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और तीखी लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच डाली, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और इसके अंदर 1/2 चम्मच मैंने डाली नमक, अगर टेस्ट के हिसाब से अपने, हम लोग ज़्यादा खारा नहीं खाते हैं, मीडियम खाते हैं। ये टमाटर मैंने जो बारीक चॉप करके ली हूँ, 2 टमाटर है। ये देखिए अब मैं बना रही हूँ चटनी, बोंबिल मच्छी की चटनी बना रही। यहाँ पर मैं नमाज पढ़ने के बाद मच्छी साफ करते बैठी हूँ। यहाँ पर मैंने लहसुन छील दी, हरी मिर्ची कितनी बड़ी ली देखो ना, मैंने कम से कम ना 1/4 किलो में से थोड़ी कम ली, मतलब 1/4 किलो में की ना बड़ी आधी हरी मिर्ची ली, इसको इसके डेटा तोड़ दी, इतने सारे लहसुन, इतनी एक मुट्ठी भर लहसुन ली, और बोंबिल मच्छी है, इन तीनों को अच्छे से धो दूँगी और बोंबिल मच्छी को थोड़ा पानी में भीगने को डालूँगी 2-3 मिनट, उसके बाद अच्छे से धो के ले लूँगी, और ये हरी मिर्ची लहसुन धो के अंदर 2-3 कोतमीर के ढाले, नमक थोड़ा सा डाल के उसको हम आम दस्ते में ये कूट देंगे, लेकिन इसको फ्राई करने के बाद अच्छे से कड़क। अब ये बन देती हूँ पोटली, नहीं तो बिल्ली बिल्ली आके खींच के लेके भाग जाएंगी गोश्त की थैली बोल के। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने लहसुन और हरी मिर्ची को और गोंबिल मच्छी को अच्छे से फ्राई कर ली, और ये हमाम दस्ते में मैं डालूंगी, और कोथमीर नहीं डालूंगी, ज़्यादा मुझे कोथमीर पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, हर किसी को कोथमीर इतनी पसंद होती है और मुझे तो पसंद नहीं है। तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी अब थोड़ा सा नमक, क्योंकि गोंबिल मच्छी भी खानी रहती, हमेशा ये बात याद रखना, थोड़ा तो बाद में भी डाल सकते हैं। तो अभी कुटना चालू करूँगी, और दाल इधर मैं गरम कर रही हूँ, ताज़ी है दाल, अभी जो बनाए वाली 1 बजे, लेकिन थोड़ी ठंडी हो गई, अभी बज रहे हैं 3। तो यहाँ पे हमारी दाल है, अब मैं खाऊंगी दाल चावल और ठेसा। ज़बरदस्त बना, नहीं बहुत ही ज़बरदस्त बना माशाल्लाह, देख के ज़बान को पानी आ रहा, जवारी की रोटी के साथ ज़बरदस्त दिखता खाना, इतना ज़बरदस्त दिखता, बहुत ही टेस्टी बनी हमारी चटनी। पर मेरे को जवारी की रोटी बासी होना, रात को डाले वाली दिन को, दिन को डाले वाली रात को, ज़रा कड़क हो जाती ना रोटी, उसके साथ बहुत अच्छी दिखती, तो अब मेरे पास है जवारी की रोटी डाले वाली, लेकिन कड़क रोटी लेना, नरम है ताज़ी,
तो अब उसको मैं शाम को खाऊंगी रात में 8-9 बजे, और ये चटनी भी जब ही खाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त बना गाइस, आप भी बनाकर ऐसा खाइए, बहुत ही अच्छा लगता ठेसा। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं खड़े रही चाली में, ये देख सकते हैं ये चाली है, तो मेरी आपको आप देख सकते हैं कितनी लाल हो गई, एकदम दर्द हो रही, पूरी लाल हो गई, पूरी आँख लाल हो गई, एकदम बारिश हो गई, आप देख सकते हैं। अभी मेरा ये ब्लॉग मैं अभी छोड़ूंगी, तो ये 3-4 दिन का थोड़ा थोड़ा करके 3-4 दिन का हमारा ये ब्लॉग है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये देख सकते हैं मेरी आँख को क्या हो गया पता नहीं, इतनी लाल हो गई और बारीक हो गई, ये आँख देख सकते हैं बड़ी दिखती वाइट और ये लाल हो गई। और ये 3-4 दिन का ब्लॉग है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने 3-4 दिन हो चुके हैं, तो आज मैं छोड़ूंगी। आज है मंडे, तो आपको अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और जो नए हैं मेरे चैनल पे और सब्सक्राइबर कर देना। फिर मिलूंगी अच्छे और नए वीडियो के साथ। तो चलिए गाइज, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नमाज पढ़ के हो चुका है, तो अभी बस मैं ब्लॉग छोड़ दूँगी। और यहाँ पर मेरे को बुखार भी उछली थी, देख सकते हैं, और गर्मी से गाल पे भी कितने फोड़ियाँ आ रहे, ये सब खुजा खुजा के कैसा हो गया। तो चलिए फिर, ये आज जो भी हमारी 2 दिन की रूटीन थी तो वो हम मैंने तुमको दिखा चुकी हूँ। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और सुबह में हमने बनाए थे बम्बिल मच्छी की चटनी, और शाम में मैंने बनाई थी दाल चावल भी थे हमारे दोपहर के ही, बम्बिल मच्छी की चटनी भी थी और ठेसा भी बनाई थी मैंने। और आज हमने बनाए हैं गवार के फली, लेकिन आज का हमने ब्लॉग नहीं लिए क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ी थी आज और मेरे बच्चे खाना बना रहे थे। तो चलिए फिर यहीं पर एंड करती हूँ ब्लॉग, और आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, जो नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना।